जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रशासन का ओवरलोड वाहनों पर चला कानूनी हंटर। एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने मोरम से भरे 14 ओवरलोड ट्रकों को किया सीज। कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर हुई कार्यवाही। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं जालौन से, जहां एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने मोरम से भरे 14 ओवरलोड ट्रकों को सीज कर बड़ी कार्यवाही की। शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रशासन का ये ओवरलोड वाहनों पर कानूनी हंटर चला, जिसमें मोरम से भरे हुए 14 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम द्वारा। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? जी, आज परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सख्ती का असर जनपद जालौन में भी देखने को मिला है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज लखनऊ में ओवरलोड और अवैध खनन के मामले पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने खुद जाकर वहाँ पहुँचे हैं, कमता है, IIM है और शहीद पथ के पास जाकर वो खुद पहुँचे हैं। अधिकारियों और परिवहन अधिकारियों को बिना बताए वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ओवरलोड और बिना जरूरी प्रपत्रों के चल रहे अवैध खनन परिवहन में लगे वाहनों पर कार्रवाई करवाई है और लगभग आधा सैकड़ा से अधिक गाड़ियाँ उन्होंने पकड़वाई हैं, जिसमें कुछ गाड़ियों को सीज किया गया है, कुछ का चालान किया गया है। तो उसकी सख्ती का असर जनपद जालौन में भी देखने को मिला है। तो जनपद जालौन के कालपी में उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार और क्षेत्राधिकारी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है और लगभग एक दर्जन से अधिक यानी 14 ट्रकों पर कार्रवाई की है। ओवरलोड और अवैध खनन परिवहन में लगे इन 14 ट्रकों पर कार्रवाई की है और साथ ही उन्होंने साफ संकेत दिया है कि किसी भी तरीके से जनपद जालौन में ओवरलोडिंग और अवैध खनन परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि जनपद जालौन में दो जगहों पर इंटीग्रेटेड कैमरों से निगरानी की जा रही है, एक तो कालपी में और दूसरा कुठौंद में। तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं पर भी इसका फर्क है और ओवरलोडिंग में लगे जो माफिया हैं उन पर भी खबर है। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला था और अब वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भी जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वो संभागीय परिवहन अधिकारी ने उमेश सिंह और आपके जगह विनय पांडे ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं, दर्जनों से भर से अधिक ट्रकों को कभी डकोर में तो कभी जालौन कोतवाली में कभी कौन जो है कुठौन थाने में खड़ा कराया है, तो इससे कहीं ना कहीं खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। तो आज जब उप जिलाधिकारी कालपी अभिषेक कुमार की टीम ने ये कार्रवाई की है तो खनन माफिया या ओवरलोडिंग और अवैध खनन परिवहन में लगे जो माफिया हैं उनमें एक संदेश गया है कि कहीं ना कहीं अब सरकार में ऐसा चलने वाला नहीं है। सर, कल नाइट में एक बड़ी कार्रवाई की है आपने और सीओ साहब और तहसीलदार साहब ने, जो तीनों कार्रवाई की है, इसको लेकर क्या कहें सर? हमें लगातार शिकायतें आती रहती है और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे जो तहसील क्षेत्र है उससे जितनी भी गाड़ियाँ जाए वो नियमानुसार जाए, मतलब उसका क्वालिटी हो और वो जो लोडिंग का लिमिट है उसके अंदर जाए। उसी के लिए हम चेकिंग रात को सघन चेकिंग अभियान चलाए थे, उसमें हमने कुछ गाड़ियों को सीज किया है जिनके पास रॉयल्टी नहीं थी या कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जो काफ़ी ओवरलोड, उन्होंने बॉडी में भी अलग से लगा कर टीम लगा कर ओवरलोड करके ले जा रहे थे, तो ऐसी गाड़ियों को हमने सीज किया। अच्छा सर, ये लोकेशन माफिया जो लगातार लोकेशन आप लोग की दे रहे हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम उनको ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सफल हों और उसमें जो भी ऐसे लोग बाधक आएंगे उनको हम कार्रवाई करेंगे, उनको चिन्हित किया जा रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।